अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह देश भर के कोने कोने में है। इस उत्साह और उमंग से बालाघाट भी अछूता नहीं है। रविवार को सर्किट हाउस में राष्ट्रीय विचार मंच ने पत्रकार वार्ता लेकर 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को बालाघाट में दिवाली के रूप में मनाने तथा इससे जुड़े आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विचार मंच के संरक्षक रमेश रंगलानी ने बताया कि यह स्वर्णिम अवसर है जब भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 वर्षों से लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद यह पल आया है। इस अनमोल पल को यादगार और भव्य बनाने के लिए राष्ट्रीय विचार मंच के साथ शहर के अन्य सामाजिक संस्थाओं व समुदाय भी इस आयोजन में शामिल होंगे। इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शहर व जिले का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। श्री रंगलानी ने बताया कि 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। इसका उमंग बालाघाट में भी देखने मिलेगा। इसके लिए आम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक जाने वाले मार्ग में नया राम मंदिर वाले एक छोर पर 1,11,111 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम लिंगा के 15 कुम्हार परिवारों को दिए बनाने का काम दिया गया है। खास बात है कि 1,00,000 से अधिक दिए मशीन या साचे से नहीं बल्कि हाथों से बनाए जा रहे हैं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में बड़ों के साथ कक्षा 11वीं से 12वीं तक के बड़े बच्चे तथा कॉलेज छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। इसके अलावा सड़क के इसी छोर पर अयोध्या, भगवान राम, शक्ति और भक्ति से जुड़े प्रतीक चिन्ह आदि बनाए जाएंगे। श्री रंगलानी ने बताया कि भगवान श्रीराम को न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि सभी समुदाय के लोग मानते हैं। यही वजह है कि 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा का 87 देशों में लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। वहीं इस संबंध में राष्ट्रीय विचार मंच ने जिला कलेक्टर से भी चर्चा की है, जिन्होंने आयोजन में प्रशासनिक सहयोग देने की बात कही है। संयोजक लता एलकर ने बताया कि आज सोमवार को होटल शीतल पैलेस में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक होगी, जिसमें शहर के सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को और भव्यता देने के संबंध में अन्य कार्य योजना बनाई जाएगी। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के दौरान हनुमान चौक से आम्बेडकर चौक की तरफ आने तथा जाने वाला यातायात परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग पर पड़ने वाली गलियों से होते हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा इस मार्ग की साफ सफाई फायर ब्रिगेड सहित अन्य व्यवस्थाएं नगर पालिका संभालेगी। इस रोड पर बने डिवाइडरों की भी सफाई की जाएगी, जहां ध्वज लगाने की योजना है। इसके अलावा शाम के वक्त भव्य आतिशबाजी की जाएगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे सबको ऐसा लगता है कि हमारा राष्ट्रोदय, मैं तो उसको ये कहूंगा कि राम का मंदिर जो बन रहा है उसको वैसे देखा जाए तो वो राष्ट्र मंदिर, क्योंकि भगवान राम को लगभग सभी धर्मों के लोग भी मान रहे हैं। और शायद मैं समझ रहा हूं कि 87 देशों में उस दिन का लाइव कार्यक्रम भी दिखाया जा रहा है। तो विचार ये आया कि जब पूरे देश भर में हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और ये निर्देश भी है कि आप लोग अभी अयोध्या ना आए, हमें जाना नहीं है, तो क्यों ना हम अपने अपने नगर में कुछ कार्यक्रम करना चाहिए, ऐसा निश्चय हुआ है, ऐसा निर्देश भी है। तो उसके अनुसार हमने भी सोचा कि क्या करना चाहिए, काफी बात भी हुई, आपस में विचार विमर्श भी हुआ। आखिर ये तय हुआ कि जैसे अयोध्या में कोई 25,00,000, कभी 24,00,000, कभी 21,00,000 दिए जलते, पर वो अयोध्या है, हम ये बालाघाट है। तो पहले से ऐसी बात आई है कि 25,000 51,000, लेकिन फिर बात ये आई कि वो तो छोटी सी जगह हो जाएगी, 25,000 ऐसे पता ही नहीं चलेगा। तो हमने बोला एक आंकड़ा ही अच्छा रहेगा, 1,11,111, 6 बार 1-1 लिख देंगे, मतलब ऐसा निश्चय हुआ है। और दिए बनना हमने देवी दिए लिंगा में बनना शुरू भी हो गए, और लोगों में बड़ा उत्साह है उस
कि आप कैसा कर रहे हो, कई बार पूछते थे, हमने बोला पत्रकार वार्ता के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों के पास ये सूचना भी पहुंच जाए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम। वो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि सुबह, वैसे तो देखा जाए तो एक दिन पहले से ही वो कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाएगी। हमने कलेक्टर महोदय से चर्चा कर ली और उन्होंने भी हमें कहा है कि हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को करें और इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है, सब लोग उसमें आने, जो भी आना चाहे, शामिल होना चाहे, उसमें आकर के दिए जलाना चाहे तो वो 5 दिए कोई भी आकर के जलाए, किसी को कोई आपत्ति या कोई रोक टोक नहीं है। तो उस दिन एक दिन पहले मतलब 21 तारीख को हम 8 बजे के बाद एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो बंद कर देंगे, बंद करवा देंगे, प्रशासन से निवेदन किया है हमने। और हमारी बैठी बहन हमारी भारती ठाकुर बैठी है, नगर पालिका का ज्यादा तो रोल हमारी नगर इन्हीं का ज्यादा रहेगा, ये पूरा देखेंगे। और साफ सफाई और डिवाइडर को भी थोड़ा सा अच्छा डिवाइडर भी हो जाए, क्योंकि डिवाइडर पे ध्वज भी लगेंगे, पताकाएं जो है ना, भगवा पताकाएं भी वहां पर गाड़ी जाएंगी और उस पर एक साइड में रोड पर अब उसमें अलग अलग पेंटरों से काम भी करवाएंगे कि कहीं जय श्री राम लिखा रहेगा, कहीं राम जन्मभूमि लिखा रहेगा, कहीं स्वास्तिक होगा, इस प्रकार से मतलब अलग अलग थीम अभी तो सोच रहे हैं अपन भी, सब लोग बैठे सोचे भी जा रहे हैं। तो वो बना करके और अयोध्या के भी चित्र हमारे पास हैं, उस समय के वो शार्ट्स उपलब्ध हैं, तो उसके अनुसार भी अपन बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा 22 तारीख का कार्यक्रम जो है उत्सव का वो आयोजित हम कर रहे हैं और जनता के सहयोग से कर रहे हैं। सबका कार्यक्रम है, जन जन का कार्यक्रम है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको इस हर्षोल्लास में शामिल होना है, तो हम भी सब शामिल हैं। बालाघाट की जनता का भी आह्वान है, वो भी शामिल है। कल हमने 8 तारीख को कल हमने 3 बजे एक बड़ी बैठक रखी है जिसमें हम समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनसे बातचीत होगी, उनसे सहयोग की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 1,11,111 दीपों को हम चाहते हैं कि एक निश्चित समय में वो जलें, तो उस निश्चित समय में जलाने के लिए बहुत बड़ी लोक शक्ति की ज़रूरत होगी, तो उसमें हमारा सहयोग हम मांगेंगे। अब जो भी संस्थान या जो भी समाज जैसा सहयोग देगा वो लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जैसा कि आपने कहा है कि आपके माध्यम आपसे भी हम सब निवेदन करते हैं, इसमें हम चाहेंगे कि हम स्कूल में कुछ बच्चों को भी शामिल करेंगे, वो आने वाली पीढ़ी है जो कल के नागरिक होंगे, और उन्हें भी इस भव्य समारोह से सीधा संपर्क हो, इसके लिए कुछ दिनों में ही हम अभी स्कूलों में भी संपर्क करेंगे और चाहेंगे कि जो बड़े बच्चे हैं 11th-12th के कॉलेज के, उन स्टूडेंट्स को हम दीप प्रज्वलन में शामिल करेंगे। छोटे बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे, पर बड़े बच्चों को हम शामिल करेंगे ताकि एक बड़ी संख्या उसमें हो और उनको जीवन भर यह याद रहे कि उन्होंने 22 जनवरी को जब राम जी रामलला विराजे थे उन्होंने भी दीप जलाया था। एक ऐसी घटना होगी कि जो बाल मन पर भी और सारे लोग जो इसमें शामिल होंगे उनको जीवन भर याद रहे। आपका भी सहयोग चाहिए, आप लोग भी निश्चित रूप से उसमें पधारें। कल भी हमारी जो बैठक है उसमें भी हम आपका आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग भी उसमें आमंत्रित आएँ। और 22 तारीख का कार्यक्रम का भी एक बहुत अच्छा कवरेज हो और सारी देश को प्रदेश को सबको पता लगे कि बालाघाट ने भी ऐसे आयोजन किए। बरसों के इंतजार के बाद जब हमारे जीवन में ये क्षण आया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो भव्य आयोजन देखने के लिए हम साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और इस अवसर पर हम सहभागी बने, दीपमाला का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक की उस एक साइड की रोड में, उस संबंध में नगर पालिका परिवार के रूप में
सहयोगी तो है ही, लेकिन मैं जन जन से निवेदन करूंगी कि हमारा अपना प्रोग्राम है, हम सबके आराध्य देव है भगवान श्री राम, हम सनातन प्रेमियों को तो इस पुण्य कार्य में शामिल होकर सौभाग्य प्राप्त करना ही चाहिए। इसके अलावा नगर पालिका का जो सहयोग रहेगा, सफाई व्यवस्था से लेकर सामानों का लाना ले जाना, वहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखना, और सुबह से चूंकि उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो लिंक रोड वहाँ से रहेंगे MLB की साइड से, प्रेम नगर के साइड से, उन रोडों के लिए वहाँ बैरिकेड लगाकर आने जाने की जगह छोड़ी जाएगी, दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी, डिवाइडर के दूसरे तरफ वाली रोड को दर्शक दीर्घा के रूप में हम उपयोग करेंगे, बाकी का आवागमन डाइवर्ट किया जाएगा हमारे मेन मार्केट की रोड से। तो कुछ समय तो लोगों को परेशानी का सामना होगा, लेकिन चूंकि ये एक हमारे बालाघाट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने वाला है कि इतना भव्य आयोजन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में किया गया, तो अगर थोड़ी बहुत हमें असुविधा होती भी है तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और नगर पालिका का सहयोग तो हमेशा ही हर धार्मिक और सामाजिक सारे कार्यक्रमों में रहता ही है, और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सबको ऐसे जन सहयोग के इन कार्यक्रमों में सहयोगी होकर आगे आना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।